नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, नित्य प्रतिदिन हम अपने घर में पूजा मंदिर में सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन हमारे मन में आते हैं कि जब हम दीप जलाते हैं तो दीपक का मुख हमें किस तरफ कर रखना चाहिए। तुलसी में दीप हमें सुबह शाम दोनों समय जलाना चाहिए कि एक ही समय हमें दीप लगाना चाहिए? क्या श्रावण के महीने में तुलसी जी की पूजा करना अनिवार्य है? क्या कार्तिक के महीने में ही सिर्फ तुलसी माता की पूजा की जाती है? नित्य दैनिक पूजा से जुड़ी बहुत सारी जानकारी एक एक करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने पूजा मंदिर में सुबह शाम दोनों समय पूजा अवश्य करें। सुबह की पूजा बिल्कुल आप स्नान ध्यान करने के बाद कभी भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी बहनों का प्रश्न होता है कि हम पहले तुलसी में जल दें या सूर्य भगवान को जल दें उसके बाद अपने पूजा मंदिर में पूजा करें, कि पहले पूजा कर लें उसके बाद तुलसी में या फिर सूर्य भगवान को जल दें। तो इसमें कोई इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सुबह सवेरे बहुत ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, स्नान ध्यान कर चुके हैं, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, ऐसे में आप एक लोटा जल पास में रखकर अपने पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पंच देवी देवताओं के पूजन की बात हमारे गृहस्थ मनुष्यों को कही गई है, तो आप पंच देवी देवताओं की पूजा अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं। अब जब आपका पूजा समाप्त हो जाए तब आप लोटे का जल लेकर सूर्य भगवान को तुलसी जी में दे सकते हैं। अलग अलग लोटे में जल लेकर आप भगवान सूर्य और तुलसी माता में दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि क्या एक ही लोटे से हम भगवान सूर्य को और माँ तुलसी को जल दे दें? तो देखिए, आप दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भगवान सूर्य को जो हम जल देते हैं वो बड़े पात्र में देते हैं, और तुलसी माता के बिरवा में जो हम जल देते हैं वो छोटे लोटा से, छोटा क्योंकि तुलसी का बिरवा छोटा सा होता है, तो उसमें बहुत अधिक जल देने से तुलसी सूख जाती हैं। अक्सर आप में से बहुत सारी बहनों के भी प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में तुलसी लगती ही नहीं है, तो इसलिए जब हम तुलसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो सूख जाएंगी। अभी बारिश का मौसम है तो बहुत थोड़ा सा जल हमें देना चाहिए, और नित्य प्रतिदिन तुलसी के बिरवा के पास में आपको एक दीपक लगाना चाहिए। यदि आप नहीं भी लगा सकते हैं तो आपके मन में कोई जैसे गिल्टी होती है ना, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है। कार्तिक के महीने में तुलसी में दीपक दिखाने का बहुत बड़ा महत्व है। हम पूरे 12 महीने तुलसी की पूजा कर सकते हैं, पूरे 12 महीने तुलसी जी के पास दीप जला सकते हैं। तुलसी पूजा करने से, तुलसी की परिक्रमा करने से हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, इसलिए तुलसी की पूजा तो कभी मना ही नहीं होती है। आप हमेशा हर दिन नित्य प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें। गमले की हम बात करें तो आप एक छोटा सा पौधा अपने मंदिर में, यदि आपका पूजा मंदिर बड़ा है तो आप रख सकते हैं, वरना आप तुलसी का जो गमला होता है, पौधा होता है, वो बालकनी में भी रख सकते हैं, छत पे भी रख सकते हैं, अपने मुख्य दरवाजे पर भी रख सकते हैं, अपने आंगन में भी रख सकते हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ होता है, तुलसी का दर्शन हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप कहीं भी तुलसी का पौधा रख सकते हैं। सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वहाँ के आसपास कोई गंदगी ना हो, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आप तुलसी का पौधा रखें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हमें जल नहीं देना चाहिए, तुलसी माँ व्रत रहती हैं ऐसी भावना है। तो देखिए, स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखते हुए हम जल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुलसी में हम जल एकादशी के दिन दे ही नहीं सकते। मान लीजिए ज्येष्ठ का महीना है, बिल्कुल आप कहीं घर से बाहर 2-3 दिनों के लिए गए हैं और आप एकादशी के दिन वापस आए हैं और तुलसी बिल्कुल सूख के मुरझा गई हैं, ऐसे में बिल्कुल आपको जल देना चाहिए। यदि आप नित्य प्रतिदिन जल देते हैं और तुलसी माता का जो पौधा है वो बिल्कुल हरा भरा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप नियम से आपने नित्य प्रतिदिन लेने का संकल्प लिया है पूरा, जैसे कि हम बात करें उसमें कार्तिक के महीने में, तो हम नित्य प्रतिदिन जल दे सकते हैं। तुलसी के पत्तों को हम उतार नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दीपक की भी बात है, आप हर दिन
तुलसी के बिरवा के पास में दीपक जला सकते हैं। सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल तुलसी के गमले के पास, पेड़ पौधे के पास में दिया लगा देते हैं, जिससे कि तुलसी के पत्ते मुरझा जाते हैं, पत्ते जल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे स्वयं से हमको आना चाहिए कि बिल्कुल बहुत पास में हमें करीब नहीं रखना है। दीपक वगैरह वैसे भी दूर थोड़ा सा रखें, जिससे आपको भी हानि ना पहुंचे और देवी देवताओं को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये तो तुलसी के पौधे से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। अब अपने पूजा मंदिर में आते हैं। जैसे कि आप सुबह पूजा कर रहे हैं, शाम पूजा कर रहे हैं, भोग हमें दोनों समय लगाना होता है, दीपक हमें दोनों समय जलाना होता है। ऐसा नहीं कि सुबह आपने दीपक जलाया तो शाम को नहीं जलाना, शाम को जलाया तो सुबह। दोनों समय एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपको लगाना है। मिट्टी के दिए लगा सकते हैं या फिर आप, आपके पास धातु का दिया है वो भी आप ले सकते हो। हाँ, दीपक का मुख किधर होना चाहिए, ज्यादातर लोगों को ये प्रश्न है। तो दीपक का मुख हमेशा देवी देवताओं की तरफ होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा, हमारे परिवार में, मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ जब भी पूजा अर्चना होती थी तो पुरोहित भी आते थे, यही सिखाते थे, और हमारे बड़े बुजुर्ग ने भी यही बताया कि दीपक का मुख देवी देवताओं की तरफ रखकर पूजा हमें करना चाहिए। यदि हम एक, मतलब जो गोल बाती होती उसको लगा रहे हैं, तो उसका मुख तो आकाश की तरफ होता है, तो वो पूरे अंधकार को प्रकाशित करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लंबी बाती लगाते हैं उसके लिए नियम बताए गए हैं। यदि हम चौमुखी दीपक लगा रहे हैं, कोई विशेष पूजा अर्चना है, तो वो चारों दिशाओं में उसका मुख होता है। और इसी तरह से मुख्य दरवाजे पर भी दीप लगाने की बात कही गई है। जैसे कि संध्या के समय या अलग विशेष महीनों में हम मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, तो उसमें भी कई बहनें हमसे पूछती हैं कि हम अपना दीपक का मुख किधर रखें। तो हमेशा दीपक का मुख बाहर की तरफ होना चाहिए, घर के बाहर की तरफ, क्योंकि जो भी व्यक्ति, देवी देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो वो मुख उनकी तरफ होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए जब भी आप दीपक रखें तो सामने की तरफ मुख रखें उसका, देवी देवताओं की तरफ, और दीपक के नीचे आसन जरूर दिया करें, थोड़ा सा फूलों का आसन, या फिर आप एक कटोरी में थोड़ा सा चावल रख लें, उसके ऊपर नित्य प्रतिदिन आसन दें। आपको लगता है कि ये चावल थोड़ा सा गीला हो गया या कोई दूषित हो गया है, उसमें तेल वगैरह गिर गया है, तो उसको हल्का सा भिगो कर आप चिड़िया पंछियों के लिए दे सकते हैं। ठीक है, और आप अपने पूजा मंदिर में जो भोग लगाते हैं, जैसे तुलसी पत्र की हम बात करें, तो तुलसी पत्र देवी देवताओं के पास में आपको अर्पित करना है, अपने पूरे भोग में नहीं लगाना है। भगवान कृष्ण के पास, लड्डू गोपाल के पास, रामचंद्र जी के पास, विष्णु भगवान के पास में तुलसी का पत्र आप भोग के लिए दे दीजिए। उसके बाद आप पूरा जो भी भोग लगा रहे हैं, मिश्री का, पंचमेवे का, कुछ भी, वो आप सबके सामने दिखा दीजिए। अपने पूजा मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग भोग नहीं लगाया जाता, एक ही पात्र में भोग लगाने की बात कही गई है। कोई विशेष त्यौहार है, जैसे कि आप सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, कोई रुद्राभिषेक वगैरह आप करवा रहे हैं, तो उस समय में आप अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग भोग आदि लगा सकते हैं। लेकिन नित्य दैनिक पूजा में आपको एक ही पात्र में भोग लगाना चाहिए। दीप भी एक लगाते हैं। आरती करने के लिए अलग से कपूर की आरती आप किया करें। देखिए, आप आरती घी का भी कर सकते हैं, दूसरा दीपक लगाकर, उसी दीपक से आरती नहीं कर सकते हैं। और कल जैसे कि लाइव सेशन में बहनों ने पूछा था कि मैम, क्या हम अपने पूजा मंदिर में जो दीप लगाते हैं, जैसे सर्दियों के मौसम में, या कभी कभी दीप में घी या तेल बच जाता है, उसे हम क्या करें। तो बचे हुए घी या तेल को आप फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं दूसरे दिन, उसमें अलग से एक नई बाती लगाकर उस घी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कभी मंदिर जाते हैं, किसी अन्य का दीपक बुझ जाता है, उसमें घी तेल बचा रह जाता है, तो आप वहां भी एक बाती लगाकर या उसी बाती को लेकर प्रज्वलित करके उस दिए का वहीं पर उसी के नाम से, ऐसा नहीं है कि आप स्वयं के लिए, उसके लिए भी आप स्वयं कार्य कर सकते हैं। ये पुण्य के कार्य में आता है। ठीक है, ये पुण्य का काम है। किसी का दीपक बुझ रहा, आप उसे हवा से बचा लीजिए, आप उसे प्रज्वलित कर दीजिए, और दीप से दीप नहीं जलाना चाहिए। बात करते हैं सिंदूर की, क्योंकि कई बहनों ने पूछा था कि हम नित्य प्रतिदिन तुलसी माता को या अपने देवी देवताओं को सिंदूर लगा सकते हैं कि नहीं। तो तुलसी माँ को हर दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तुलसी माता को सिर्फ उनको विवाह के समय, जो कि कार्तिक
में जो देव उत्थान एकादशी आती है, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन उनका विवाह एकादशी के दिन किया जाता है। तब हम उनको हल्दी, कुमकुम, ये महावर और आपको बताएं कि सिंदूर, ये सारी चीज़ें हम चढ़ाते हैं। बाकी दिन आप सिर्फ हल्दी लगा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, जल थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, इस तरह से आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं। अपने पूजा मंदिर में देवी देवताओं की बात करें तो बहुत सारे लोग गौरी गणेश रखते हैं, तो आप उनको हर दिन सिंदूर चढ़ा सकते हैं। बाकी आप देवी देवताओं को चंदन भी लगा सकते हैं, जैसे अष्टगंध चंदन मैंने आपको दिखाया था, तो आप अष्टगंध चंदन लगाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और बाकी देवी देवताओं को आप करें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उनको एक जलहरी आती है उसको भर के रखें, इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना आरती आदि कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।